अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हम आ चुके हैं अपने आबाई गांव डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई, कबायली इलाका है। पहले इसको औरंगज़ई एजेंसी बोला जाता था और अभी है औरंगज़ई। तो अभी आ चुके हैं और अपना मोंटाज तो एंजॉय किया। अब आपको अपना घर दिखाते हैं जो तबाह बर्बाद हो चुका है। अभी जो आए हैं ये मामू लोग हैं, इनके यहाँ आए हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। मैं आपको औरंगज़ई की खूबसूरती दिखाऊँगा, लेकिन एक शर्त पर कि आपने वीडियो की क्वालिटी 4K रखनी है, क्योंकि 4K में है। तो 4K के बाद ही आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। ये वाला शॉट जब अंकल को दिखाया तो अंकल ने बोला भाई आपने चाय पीनी है, मेरे हाथ की चाय पीनी है। मैंने कहा चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अंकल ने बड़े प्यार से पहले चाय देख ली, अब ठीक है, तो एक कप मेरे को दे दिया। मैंने कहा क्यों नहीं यार अंकल, आप इतने प्यार से दे रहे तो ले लेते हैं। तो चाय पी के वाकई इनकी बहुत बढ़िया चाय थी। तो यहाँ पे भाई हमारे घर जाने के लिए हमें यहाँ पे पिकअप में जाना पड़ता है, जो कि वहीं स्टॉप होता है। तो ये है पिकअप। तो अब हम निकल लेंगे सीधा मामू के घर। तो वहाँ आपको फुटेज दिखाते हैं, हमारा जो बुरा हाल हुआ था वो आपको दिखाते हैं। हमारी कबायली इलाकों में वीडियो बनाना, तस्वीर बनाना बहुत ही ममनू है। ये जो घर है हमारे मामू का है। तो फिर यहाँ पे मामू घर के यहाँ चाय खाना वगैरह ब्रेक लगा के रेस्ट लेके फिर हम निकले अपने घर की जानिब। वीडियो बहुत वहाँ पे ममनू होते हैं, फिर भी मैंने ट्राई किया चलो ले लेते हैं आप यू नो ना। तो ये हैं एक बाज़ार जो कि वीरान पड़ा हुआ है। फिर हम निकले जो है सीधे अपने घर, जो कि 14-15 साल से हमने नहीं देखा था। रास्ते में आप फुटेज दे सकते हैं। ये हैं वीरान और ये बाज़ार टाइप है, मार्केट टाइप है। और यू कैन सी तो तकरीबन 1.5 घंटा दूर है, वहाँ जाना पड़ता है अपने घर के यहाँ। रास्ते कुछ ऐसे रास्ते हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, लाइक एक नाली टाइप के हैं। तो मैं ये वॉइस ओवर भी बंद करूँ, आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक भी हटा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ रियल लगे। तकरीबन इसी रास्तों से मैं कुछ 10-15 साल पहले इसी रास्तों से मैं गया था। अभी तो बर्गर बच्चे बन गए हैं, इतनी हाइट पे आई नहीं कभी, चेयर पे बैठ बैठ के स्ट्रीम कर रहे हैं। तो भाई अबाई गांव और अबाई घर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यार बहुत दिल कर रहा था कुछ 2006-2007 में मैंने लास्ट टाइम अपना घर देखा था। आई नो अभी तो बर्बाद हुआ होगा, लेकिन देखते हैं। मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास वगैरह होंगी, मतलब ये रास्ते बंद होंगे, लाइक नो कुल हैं ये। अब फ्रंट प्रिंट वगैरह देख सकते हैं, कोई लोग आते जाते हैं, बट इतने यूजुअल जिस तरह पहले लोग हुआ करते थे, बहुत सारे घराने थे। अब इस वो घराने यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब से वो ऑपरेशन हुआ है तब से बहुत से लोगों के घर बर्बाद हुए। सो अभी वो 1920-1930 में जो सदियों साल पहले जो बनाए गए थे घर, अब दोबारा कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और इस इतना पसमानदा इलाका है यहाँ पे, आप
आपके भाई ने पिछले दिनों पहले PMW आई के टूर्नामेंट किए थे, बड़ा दिल भर गया था। मैंने कहा यार कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। यू कैन सी और मामू लोग ने पहले से वॉर्न किया है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसी वजह से जितने भी ख़तरनाक जानवर है, जंगली जानवर है, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि वो नहीं होते, वो खंजीर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये सांप वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो गाइस लोग आप इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किए तो सबसे वीडियो लाइक कर दें। कुछ ही फासला है, घर पहुँचने वाले हैं। बर्बाद सत्यानाश। सो फाइनली हम यहाँ पे अपने घर पहुँच गए, एंड यू कैन सी बाहर से हमें समझ नहीं करते ये हमारा घर है कि नहीं। बार बार कंफर्म कर रहा था कि हाँ यही घर है, फिर अंदाजा हुआ ये गई, ये जो है एंट्रेंस की जगह। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट में आप जाएंगे इतने ज़्यादा घास फूस समझ रहे हो ना, क्योंकि लोग अब 15-16 साल हो गए हैं। ये भाई हम उसको बैठक बोलते हैं, हौजरा टाइप के नहीं होते, ये इसकी एंट्रेंस है। देखो भाई पौधे मौधे आ चुके हैं, और ये हमारी मेन घर की जो एंट्रेंस की गेट होती थी। दिल से बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा। इतनी अच्छी व्यू, इतनी अच्छी माहौल, इतनी खूबसूरत व्यू, और हमारा बर्बाद कर। कहते हैं ना दिल से बुरा लगा। इस साइड से भी आप एक व्यू दे सकते हैं, जितना भी मलबा है ना वो नीचे आ चुका है। लाइक अंदर जाना भी एक रिस्क था कि ऐसा ना हो अंदर जाके कुछ और हमें काट वाट ना ले। तो बस यहीं से नज़ारा किया हमने, कहा चलो यहीं से इंजॉय कर लेते हैं। क्या इंजॉय करना होता है, बस दिल की अरमान थी वो पूरा हो गई है। भाई हमने अब जाना है इस पहाड़ की उस तरफ, उस पहाड़ की उस तरफ जाना है। ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ना, तो उस पहाड़ की उस तरफ, ये वाली जो पीछे घर देख रहे हैं ये हमारा घर था फुल बर्बाद। तो अभी उस तरफ जा रहे तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आगे रास्ता है? है? नहीं है रास्ता, नहीं है। ओ द चिकने, इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। नाखून ना चाह, प्लीज खोल जी। अरे तो बस कर दे। Thank you.
यार ये खुदी भाई साहब यहाँ पे सुकून आ गया, ठंडा पानी पी के थोड़ा रेस्ट कर लिया। और एक बात बताता चलूँ, ये जो वाइट टोपी वाला है ये मेरे वाले साहब हैं, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनसे जो है परमिशन लिए वीडियो बनाने की। ये सब यही है माशाल्लाह। और ये जो है आप ये मुझे दिखा रहे थे पश्तो में, इसको कुछ और कहते हैं, ये है मशरूम्स आई थिंक हैं, तो ये हमने उठा लिए दिखा रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसकी भी कुछ फुटेज वोटेज बना लेते हैं। तो भाई साहब और भी आधा सफ़र रहता है और हमारे साथ इंजॉय कीजिए। बहुत खतरनाक रोड्स हैं, रोड नहीं बट के वो जहाँ पे नालियाँ नहीं होती, नालियाँ साइज के रोड है। एक बंदा सिर्फ एक साइड से जा सकता है, वन वे है। 3 घंटे की सफ़र। सो भाई साहब यहाँ पे हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ चुके हैं और बहुत थकी हुई थे तो मतलब बात भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब चाय वाय तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको ये व्यू बताता हूँ, ज़रा ये व्यू चेक कर लो। ये गाइस ये देखो, बस मैं खतरे पे हूँ, ऊंचाई आप देख सकते हैं। और ये मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूँ, ये आप बैकग्राउंड सुन लिए। वो भाई ये इस हम लोग इस तरह ये फ्रूट खाते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे खाते हो। ये आराम से उसको निकालना पड़ेगा, देख तुम लोग पत्थर से तोड़ते हो सारा अखरोट ख़राब करते हैं, ये देखो साफ सुथरा निकल जाता है। ये लो भाई पूरा मुंह में डालो और खाओ। तुम लोग पता नहीं किस तरह खाते हैं ये। तो भाई साहब यहाँ पे शाम को हम नज़दीक पहाड़ी पे चले, वहाँ पे हमने कहा यार थोड़ी चाय वाय बना लेते हैं, एक बार फिर से बैकग्राउंड म्यूज़िक और ये चीज़ें हटा दें ताकि सब कुछ आपको रियल लगे। गुड मॉर्निंग विद स्टिंग। और यहाँ पे स्टिंग ठंडी करने के लिए आपको ये वाले ठंडे पानी ऐसे करने पड़ेगी। सो पिछली व्लॉग में मेरे कपड़े आपको नज़र आ रहे थे, लाइक फिर रात हो गई फिर सुबह हो गई है, बस इतने ही था तीरा और वही का जो व्लॉग था।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दे, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।